मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह जोहार। मैं सावित्री और मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है। दोस्तों अभी देख रहे हैं हम झोला उठा के चले, झोला जम्पर ले इधर से बैग, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और उधर से हमारी बिजली भी कट हो गई है, पता नहीं हमारा ही बिजली गई है, पता नहीं हमारा एक्चुअली भी मिस्त्री लाना, बाद में मीटर बंद हो गया या बिजली क्यों बंद हो गई, क्या हुआ, लाइट हवा भी आई, बारिश भी आई, उससे हुआ पता नहीं, वो अभी वजह से हुआ, वो अभी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग तुरंत आए, हमारे गणेश जी देखिए कैसे रोडी से खेल रहा है, रोडी के साथ तो देखिए ऐसे ही परेशान करते हैं ये। अरे बारिश आ रही है रोडी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, क्यों परेशान करता है, वो भी मजा लेता है, पानी आएगा तो झक ले, ये भी खूब मजा लेता है। फिर देखिए बारिश आ रही है, ये प्रभु रोडी आपको परेशान कर रहे हैं ना, हाँ रोडी रोडी मेरा रोडी बाबू सोना, झक लेना बारिश आई तो झक ले। इधर से हमारी दो दीदी आ चुकी है काम करने के लिए, अभी हमारी गणेश जी लेके आए क्योंकि दीदी लोग पर सपना लेते हैं। किती किराया अच्छा तो आणि थोडा मला किराया पण सांगता का थोड्या वेळात, मग आम्ही पाहून घेतो इथंच हो, मग मला फोन करा। दोस्तों अभी हम लोग गए थे, गणेश जी बोलिए। हाँ जी, हम गए थे बिजली बिल लेने और बिल हमको मिल चुका है और ज्यादा नहीं है, 2000 के अंदर ही, क्योंकि हम लोग सिर्फ बोर ही चलाए हैं ना, तो इसीलिए ज्यादा बिल नहीं आई, लेकिन आता है इधर बहुत ही, जैसे हम लोग जिस मकान में रहते हैं। दोस्तों इधर से छपरी को ढकने के लिए त्रिपाल ले लिए, में पानी लग गया था ना, इसीलिए बोले कि नहीं त्रिपाल लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम प्लॉट पे आए थे अपनी साइड पे, तो इधर वैसे बारिश जैसा मौसम तो बना पड़ा है, लेकिन फिर भी मेरी धर्म पत्नी जी यहाँ पानी मारे जा रही है प्लॉट के ऊपर। वैसे तो मौसम तो हाँ, वैसे तो कल आई, परसों भी किया था, उससे पहले दिन भी किया था, लेकिन आई क्या बारिश नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो पानी मार रहे हैं इससे हो जाएगा? पानी मारूंगी प्लस और पानी आ जाएगी, ऊपर देखो ना कितना मस्त सुहाना मौसम बन के, देखिए दोस्तों, और फिर भी आप पानी मार रहे हो, रहने दो ना, पानी आने वाला है। हाँ आपने भी तो मारा साइड में मारा ना, आप तो बीच में मार रहे, क्यों उसको बिठा रही? अच्छा पहले आप भी नीचे बैठ जाओ पानी से ही बैठ जाएगा। ये है हमार कॉमेडी पति देबुआ, तो पानी से आपको लगता है कि ये सब बैठ जाएगा पानी से? मैं बैठ जा, आपको जब घिसार दूंगी ना, आपको बिठा के आपका पैर पकड़ के ऐसे करके घिसाड़ूंगी, तो पानी से ये सब बैठ जाएगा, तो पानी अपने ऊपर आया तो अपन भी बैठ जाएंगे नहीं बैठेगा, आपको घिसाड़ना पड़ेगा चारों तरफ, उसके बाद बैठेगा। अच्छा चलो जल्दी चलो, अभी देर हो रही, बारिश बहुत जम के आने वाली है और अभी हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हमारे पीछे बिच्छू लग जाएंगे। मेरी धर्मपत्नी जी रेती को ठीक ठाक लगा रही है, ठीक ठाक नहीं बाबू, जैसे बारिश आ जाएगी ना, अच्छा बारिश आने के बाद पूरा बह जाएगा, बालू बह जाएगी ना, तो जितना है उतना साइड करके, तो बालू को सही सही आप लगा रहे हो, ठीक है ना, हो जाएगा ना, बस करो लेबर लोग कल आएंगे ना, आज वो छुट्टी पे, कल आएंगे, आज बारिश आएगी तब क्या होगा। ठीक है बस करो, ओके बाकी अब घर जाके तू सो के बस करो। हैं क्या हुआ, ये देखिए आइए, अरे क्या हुआ, क्या निकला, ये देखिए, अरे सीप, सीप तो अच्छी, सीप तो निकला, वो तो छोड़िए ही। हाँ जी और क्या मिला, चलो पैसा दीजिएगा, क्या मिला सही बताओ, आप बोलिए, रेती में क्या मिल गया आज, पार्टी? हाँ पार्टी, क्या खिलाओगे, जो बोलोगे, हाँ मोती,
अब नकली है ना, असली है नहीं पता। अरे सीप में मिला ना तो ओरिजिनल ही होगा। अरे वाह, नहीं ना ऐसी खुली हुई थी। ओ तो हमारी रेत में आपको मोती मिल गया, वाह दिखा। हमारे यूट्यूबर भी सब देखना चाहेंगे। ये वाला तो नहीं ना जो गले में सब पहनती है, मैंने देखा। नहीं नहीं, ओरिजिनल मोती है, रेती में आया ना बाबू, ये तो ओरिजिनल मोती है। लीजिए देखने हमको नहीं। वाह ओरिजिनल माला वाला है, किसी का टूटा होगा। नहीं नहीं रेती में कहां से आएगा, रेती में। तो फाइनली ये मेरी धाम रेती में ओरिजिनल मोती मिल चुका है। सुनिए ना, आप बोलते हो ना रेती में बहुत सारी हड्डी आती, ये आती वो आता। नहीं पकड़ो ओरिजिनल मोती, लग रहा है ओरिजिनल मोती है, बढ़िया है बिल्कुल। लगाओ कल इसको, लो इसको, कल सोमवार के दिन बढ़िया अच्छा रहता है ये, पहन लो अंगूठी में। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, मेरी धाम पत्नी को ओरिजिनल मोती मिल गया। मतलब आपके पास और है ना, मम्मी के पास भी है। हाँ वो तो हम उधर से लाए थे, अब यहाँ के पास भी है, घर पे मिल गया। टोटल बहुत सारे हो गए। पापा का एक है, आपका दो है, ये एक कितना हो गया, बहुत है, तीन। यहाँ पर छेद करके माला पहनते हैं क्या, देखिए। क्या पता, वो नहीं पता, अंगूठी में पहनते इतना मालूम है मेरे को। चलो ठीक है, जो भी रखो ओरिजिनली है ना, संभाल के रखो, भगवान ने दिया, गॉड गिफ्ट है, रेती में मिला है हमको। चलो ठीक है, मुझे सारा बालू इकट्ठा करना है, रखिए ना। ठीक है तो दोस्तों, मेरे हाथ से पावड़ा छीन के अब मेरे गणेश जी लग गए हैं रेती को इकट्ठा करने में, क्योंकि मुझे लगता है क्या गणेश जी, अभी तो आपने कहा कि छोड़ दो मत करो बाबू, फिर तो क्या हो गया आपको। मैं इसलिए कर रहा हूँ, शायद दो चार मोती मुझे भी मिल जाए। इसको बोलते हैं लालची इंसान। ठीक है, आपका मुंह दिखाई ना, आपका हंसी 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 दिखाई ना, ये रे बाप रे की गदगद। जरूरी है कि आपको मिलेगा, मुझे नहीं दिख रहा एक भी। हाय रे हाय, ये सीप है, यहाँ तो नहीं रहता। एक बात बोलू, हाँ। हारे तो हर फोटल कपार। दिखा इधर दिखा। नहीं मिल रहा। मिलेगा मिलेगा पूरा, जो जितना रेती है ना सबको इकट्ठा कीजिए, जरूर मिलेगा जितना है रेती। चलो कीजिए कीजिए, करते रहिए। तो दोस्तों सुबह आया, सुबह सबसे पहले क्या काम किया मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों सुबह आके ये जो है तार पतरी, ये तार पतरी लगाई ऊपर में, और तार पतरी इसलिए लगाई क्योंकि मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर जो हमारी बोर्ड है, ये जो हमारी बोर्ड है दोस्तों, इसमें पानी आ रही थी, ठीक है, और ये प्लोथिन भी नहीं था तो पानी आ रही थी, कल बंद हो गया था। तो फिर बगल वाले भैया के पास गए, भैया आए और कुछ नहीं किया, बस ये जो है बैक करके जो है इसको टाइट किए। और दोस्तों अभी ज्यादा बोलूंगी तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्से में वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली कल वो हमको लगता है शायद वो बारिश हो रही थी, ठीक है, और बारिश हो रही थी हल्का हल्का, जिसके कारण जल्दबाजी में वो ये भी नहीं बंद किए होंगे और ताला भी बंद नहीं किए होंगे। और जल्दबाजी में हम लोग दोनों बाइक में बैठे, और डबकी थी हमारे पास दो, हम लोग जब भी आते हैं तो पानी का डबकी लेके आते हैं ताकि पीने का पानी भी घर जाए, तो दो डबकी थी, मैंने दो डबकी पकड़ा, बैग पकड़ा, और यहाँ शायद गणेश जी के मिस्टेक से ये खुला रह गया होगा शायद, मुझे नहीं पता, गणेश जी बोल रहे कि मैं बंद करके गया था। और दोस्तों ये तार पतरी लगा दिए ताकि हमारे बोर्ड जो है, इस बोर्ड में अब बिल्कुल पानी नहीं लगेगी, और यहाँ पर अगर बारिश होगी तो यहाँ रुक सकते हैं। आपको पता है जब ये वाला था वैकर था तो इस साइड से भी पानी घुसती थी, और इस साइड तो है ही खुल्लम खुल्ला, ये देख सकते हैं। तो हमारे जो नीचे में सीमेंट है, सीमेंट में भी पानी लग, कारण ये तार पतरी हमें देना पड़ा। अब थोड़ी सी टेंशन दूर हुई, और आज हमारे यहाँ पे दोस्तों सुबह हम लोग दो भाई, वो लोग ज्यादातर हुंडा में लेती है और बाई का गैंग रहता, तो इसने पहले ठहरा दिया था कि देखिए हमारा जो हुंडा का काम है वो हो गया है, क्योंकि हम लोग जेसीबी से हम लोग भरवा दिए हैं, भरन तो हमारी कंप्लीट हो गया, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेवल करना है, ऐसे जेसीबी में ही लेवल हो चुका था सही है ना। वो अंकल इतना पद्धतशील से काम किया कि उसने ही लेवल कर दिया था, थोड़ा सा ऊंचा था तो उसको लेवल कर दिए। ये साई बाबा हमारे तैयार हो चुके हैं, प्रणाम साई बाबा। और इधर में जितना मुरुम था वो पेड़ के नीचे, उन्होंने क्या किया एक्चुअली में कि उनसे मैंने क्या बोला था कि ये दो जो गड्ढा है ये भरना है, पर उन्होंने ये ना सुन के गड्ढा भरने का बस उतनी सी मुरुम डालेंगे, ये उन्होंने क्या किया गड्ढा, मैं सबसे पहले वही दिखाती हूँ गड्ढा तो भरना कि हमारे है। आपको आपने देखा वीडियो में भी देखा होगा कि ये हमारे इधर पूरा फुल हो गया था, और जो हमारे अंकल थे उस अंकल ने ही जेसीबी के थ्रू ही उसने लेबल कर दिया था। और ये देखिए हमारी जो दीदी आई थी, देख सकते हैं इतना खाली है एकदम छुटका वाला, और उधर जो यहाँ से नहीं मिट्टी भरे हैं उसमें भी उधर वाला खींच के पावड़ा से ये भरना था, दोनों में से कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची थी बस उसको लेबल कर। ये सारा मुरुम है, इसके नीचे
कम से कम आधा हाइबा नहीं, पूरा मिला के कम से कम आधा है, आधा हाइबा होगा। यहाँ पर इतना सारा मुरुम है, हम लोग 1200 में ठहराए, 1200 दिए, और वो लोग 10:30 बजे आई, 11 बजे से काम पे काम हाँ, में लगी, और 1 बजे तक हो गया, 1 बजे उनका हो गया और चली गई। और देख सकते हैं हमारा काम, वहाँ पर भी है रेती, ये मुरुम उस पेड़ के जो सूखा हुआ है, इधर भी है, और इस पेड़ के नीचे तो अनेक है, इस पेड़ के नीचे तो आप देख ही सकते हैं, मुरुम ही मुरुम है। जय हो हमारे गणेश जी, जय हो हमारे गणेश जी, जो अच्छी वाई ढूंढ के लाए। अरे कहाँ, मुझे तो एक आदमी ने फंसा डाला, उसने बताया था जाओ कर लो। हाँ बेचारा। तो दोस्तों ये हमारे गणेश जी बोल रहे हैं कि ये है इंगूर ना, ये जम के काटता और ये पानी का भी नसीब होने नहीं देता, मतलब इनका जहर इतना होता है, ये हमारे गणेश जी बोल रहे हैं। गणेश जी को पता होगा, गणेश जी पहले देखे होंगे।